आदरणीय हे मेरे साथियों, हे मेरे भारत के वासियों, आज मैं बात करूंगा परिणामों की, भावों की। ये जो पूरी प्रकृति है, ये भावों से बंधी हुई है। हमें दुनिया में जो कुछ दिख रहा है, वो किसी न किसी के परिणाम का फल है। एक वृक्ष दिख रहा है, इसने ऐसी भावना भाई थी। एक स्त्री दिख रही है, उसने स्त्री बनने की भावना भाई थी। कोई मजदूर दिख रहा है, कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है, कोई मच्छर बन गया है, कोई देव बन गया है, कोई मनुष्य रूप में है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को जिल्लत दे रहा है, कोई किसी पे क्रूरता कर रहा है। सब परिणामों का फल है। जो व्यक्ति जैसी भावना भाता है, उसे वैसा फल मिल जाता है। जैसे आपके विचार होते हैं, वही विचार आपका भविष्य बन जाते हैं। जैसे आपके परिणाम होते हैं, वही परिणाम आपको भविष्य में फल रूप हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, अपने परिणामों को संभालो। बुरा, किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो उसका बुरा हो चाहे नहीं हो, आपका बुरा अवश्य हो जाएगा। किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो उसका अच्छा नहीं होना, वो तो उसके ऊपर है, लेकिन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको तो आपके परिणामों का फल मिलेगा, आपके भावों का फल मिलेगा। इसलिए प्रकृति परिणामों से बंधी हुई है। परिणामों का फल नहीं मिले तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। इसलिए मेरे भाई, ये संसार सुख का घर नहीं है, ये तो दुख का घर है। यहाँ पर आपको जो कुछ दिख रहा है, सब दुखों का फल ही फल है। और दुखों का फल भोगने के लिए जीव संसार में आता है। सुख तो मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्गियों के पास है। बाकी तो संसार में दुख ही दुख मिलने वाला है। इसलिए मेरे भैया, दुनिया में कुछ संभालो चाहे नहीं संभालो, अपने परिणाम अवश्य संभालना। क्योंकि परिणामों से ही मोक्ष, परिणामों से ही नरक है, परिणामों से ही स्वर्ग है, परिणामों से ही मनुष्य गति है, परिणामों से ही दरिद्रता है, परिणामों से ही समृद्धता है। जब आप उदार होते हैं तो आप के अंदर में उदारता का पुण्य बनता है, आप धनी हो जाते हैं। जब आप उदार नहीं होते, कंजूस होते हैं, तो अगली पर्याय में दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, चाहे आपको संभालो चाहे नहीं संभालो, परिणामों को अवश्य संभालो। और परिणामों का नुकसान ही साचा नुकसान है। और परिणामों की संभाल, परिणामों की वृद्धि, विशुद्धता की वृद्धि ही सचमुच लाभदायक है। इसलिए हम कुछ करें चाहे नहीं करें, अपने परिणाम अवश्य संभालें, परिणामों का ही फल मिलेगा। विचारना, स्वरूप तो ऐसा ही है।